अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान को दिखा के ये मतलब अपना भौकाल टाइट किए हैं। जर बाबा जो कहते हैं ये तो केवल माफियाओं के लिए बना दिया कि बिल्डोजर बाबा है, इससे केवल ये अपने हानक सत्ता बनाते हैं। जब सत्ता में दोबारा से आए हैं तो कैसे आए हैं, ये EVM के द्वारा आए हुए हैं। बिल्डोजर तो एक हवा हवाई की बात है, ये सत्ता में दोबारा से आए हैं तो कैसे आए हैं, ये EVM के द्वारा आए हुए हैं। जर बाबा जो कहते हैं ये तो केवल माफियाओं के लिए बना दिया कि बिल्डोजर बाबा है, इससे के लिए अपने हानक सत्ता बनाते हैं। रोजगार देने की बात होती थी, रोजगार देने की कोई बात ही नहीं करता है, जबकि कोई रोजगार नहीं देते, शिक्षा नहीं देते हैं, क्या किसको मिल रहा है। कोई वांट निकलता है, कोई भर्ती निकलती है, कहते हैं ये पेपर लीक हो गया। क्या पेपर लीक हो गया, क्या सरकार कर रही है आपकी, कैसे लीक हो जाती है ये सब चीज़ें। जब जनता को रोजगार, युवाओं को मिलने पा रही जाती है तो कहते हैं तो पेपर लीक हो गया, उनका साल भर का जो है मामला गड़बड़ हो गया, पढ़ाई बेकार हो गया। 5 साल इस तरह से अगर पेपर लीक कर देंगे तो उनका समय खत्म हो जाएगा, वो क्या करेंगे, हल जोतेंगे चल के किसान की तरह, या रोड पर ठेला लगाएंगे। यही है सरकार का काम, ये सब कोई काम नहीं है सरकार का, ये सब केवल माफियाओं का हल्ला बोल दिखाते हैं और महंगाई अपने चरण सीमा करते हैं। जो चाहे जितना बढ़ा दें, जो चाहे जितना घटा दें, इनके ऊपर है, क्योंकि उनके जनता डर नहीं है, क्योंकि इनके पास ताकत क्या है, EVM। वो जानते हैं मेरी पावर ये है, मैं जीत जाऊँगा, मैं दिखा दूंगा कि ओवैसी यहाँ से लड़ रहे हैं और मायावती यहाँ लड़ रही हैं, और बढ़ के मैं जीत गया। उनके बाकायदा वो है ना, क्या कहते हैं, जाति और धर्म का कैलकुलेटर वो करके पेश कर देते हैं अपना, और कहते हैं मैं जीत गया, मेरी सत्ता आ गई, यही साफ है। और चीती है वरना जनता सीधे यहाँ पर बेरोजगार मारी जा रही है, और मीडिया है कुछ बोलती है कुछ छुपाती है, जनता की लड़ाई वो खुद ही लड़ती है, कहती है जनता तुम लड़ो। मीडिया को लड़ना चाहिए जनता के लिए, कि जनता की इतनी महंगाई, इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई, जो बच्चे आज 3 साल से पढ़ रहे, कोई कोर्स कर रहे हैं, अब जब उनकी नौकरी की पारी आती है तो उनको जॉब की वजह कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, आपको पढ़ने नहीं जाएगा, चलिए हटी पकड़ी, चाहे पुतला फूको, चाहे प्रदर्शन करो, और चाहे जहर खा के मर जाओ, मुझसे मतलब नहीं है। सबको लेकर चलें, जिस तरह से केवल माफिया के दिखा रहे हैं कि माफिया माफिया, माफिया से कोई डर नहीं है, माफिया तो हमारे घर के हैं, हम जब चाहेंगे तब इनका लगाम खींच लेंगे। लेकिन क्या एक माफिया का डर दिखा करके क्या गरीबों को मार दिया जाएगा, क्या महंगाई के नीचे उनको कुचल कर दिया जाएगा, जो अरे उनके थाली में क्या जा रहा है, वो क्या खा रहे हैं, किस तरह से महंगाई का सामना कर रहे हैं, वो नहीं देखेंगे। माफिया से क्या लेना देना भाई, भाई माफिया का आपका काम का माफिया काम है शासन का नहीं प्रशासन का। देखे शासन जैसे आदेश है कि वैसे प्रशासन करेगी, प्रशासन सख्त हो जाएगी, माफिया खुद खुद सख्त हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये थोड़ी नहीं एक का घर दिखा दिया, दो का घर गिरा दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आपका काम आप ढूंढ कर रहे हैं, वो प्रशासन कर रही है। सही गलत का चुनाव प्रशासन, न्याय और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिए क्या गलत है क्या सही है। आपका काम है जनता पर ध्यान देना पूरी तरीके से, कि क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, कि योगी शासन काल जो चल रहा है सुदृढ़ रूप से अच्छे रूप से चल रहा है, क्योंकि उनकी दोबारा सत्ता में आए हैं, क्या लग रहा है आपको। सत्ता में आए हैं तो महंगाई तो हर आदमी परेशान है, आप समझ गए आप, EVM हटा दे तो महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगा। सरकार चाहे UP सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो जनता से डरेगी, आज जनता उनसे डर रही है। आज आपसे कोई बात करने के लिए क्यों नहीं भाग रहा है जानते, अगर चाहता है कि कोई आदमी आपसे कुछ बात करेगा तो आप जो है TV के सामने आएगा और उसके ऊपर जेल चला जा कार्रवाई होगी। इसीलिए आपके मीडिया से हर आदमी भागता रहता है, आप देखते होंगे कि मतलब जनता से आप जब कोई सवाल करते हैं तो वो सर झुका के अब भागने लगता है, इसीलिए सर छुपाता है वो, समझ गए आप। EVM हटा दीजिए, सरकार खुद बखुद झुक जाएगी, समझ गए आप, क्योंकि डरेगी कहीं ऐसा ना हो महंगाई से हम फेल ना हो जाए। ऐसे ऐसे बात है सब, और कोई बात नहीं। भाजपा सरकार जो दोबारा आई UP में वो EVM की वजह से आई। हाँ बिल्कुल, EVM से आई है, लड़ाई टक्कर के थी, लेकिन जो है आखिरी में जो है मामला कुछ बदल गया है EVM के जरिए, वरना ये लड़ाई टक्कर के थी, ये मीडिया कह रही थी आखिरी तक के कह रही थी, शुरू से आखिरी तक। मैं भी चैनल देखता हूँ, आपकी चैनल नहीं, मैं हर चैनल देखता रहता हूँ, हर TV वाले ये कहते थे लड़ाई टक्कर की है, लेकिन ये वन साइड कैसे हो गया, ये आप लोग से हम खुद पूछना चाहते हैं कि वन साइड कैसे हो गया, आप इसका जवाब मीडिया वाले से भी कुछ देना चाहिए, वो बताएं वन साइड कैसे हो गया ये। पहले कि कांटे की टक्कर, फिर लास्ट मोमेंट में एक तरफा हो गया सब कुछ। हाँ सब कुछ एक तरफा हो गया, ये मीडिया से हम मैं खुद सवाल करना चाहता हूँ, मीडिया भी कुछ बताए कि मतलब ये वन साइड कैसे हो गया, वे हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, वो भी कुछ बताए अपना। मैं हर TV देखता रहता हूँ, बराबर हर TV देखता चला आता रहा, वहाँ पे ये दिखाए कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, ये वन साइड कैसे हो गया। ये मीडिया चूँकि एक एक गली एक एक जगह की रिपोर्ट रखती है और एक एक चीज़ की रिपोर्ट रखती है, और आज मीडिया कैसे फेल हो गई, मैं मीडिया वाले से खुद सवाल करना चाहता हूँ कि ये वन साइड कैसे हो गया, ये EVM मेन
ईवीएम का खेल है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन सरकार जनता से डरेगी। आज जनता सरकार से डर रही है, बात नहीं करना चाहती है मीडिया से, न सरकार से बात करना चाहती है। अगर करेगी तो उसको जेल में जाना पड़ेगा या उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसीलिए हम आपसे यही बात करना चाहते हैं। बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है क्या लग रहा है, किसी धर्म विशेष को लेकर चल रहा है या जो अपराधी हैं उनके ऊपर चल रहा है? ये बुलडोजर तो एक हवा हवाई की बात है, ये चुनावी रणनीति थी, समझ गए आप, ये चुनावी रणनीति थी। बुलडोजर कुछ नहीं है, ये बुलडोजर के दिखा के और ये तीन आदमी का अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान को दिखा के ये मतलब अपना भौकाल टाइट किए हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ना किसी के ऊपर ये चलाते हैं, ना कोई चलता है, ये सब दिखावा है एक हिसाब से। तो क्राइम वगैरह कुछ कम हुआ है कि नहीं, क्या लगता है? क्राइम तो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम तो सुनते रहते हैं कि आज एक लाश वहाँ मिला, तो आज एक मर्डर वहाँ हुआ, तो आज एक लूट वहाँ हुआ, ये सब बढ़ता रहेगा। किसी की भी सरकार आएगी बढ़ता ही रहेगा, घटेगा किसी की सरकार में नहीं। ये कहने की बात है कि मेरे सरकार में घटी है या किसी और सरकार में बढ़ी है, या ये सब तो चलता ही रहेगा। महंगाई का भी इसका असर है, लूटपाट, डकैती, चोरी, ये सब महंगाई का भी असर होता है। खाने में थाली में उसकी रोटी दाल नहीं रहेगी तो वो छीन का खा लेगा, आपसे खा लेगा छीन के, हमसे छीन के खा लेगा। जिसके थाली में भोजन नहीं रहेगा वो छीन के छिनौती करके खा लेगा वो। योगी सरकार पास या फेल? योगी सरकार न फेल है न पास है। अगर ईवीएम फेल है, मैं ये बता सकता हूँ, ईवीएम फेल है, जिस दिन ईवीएम हटा देंगे उस दिन सरकार जो है जनता से डरेगी। जनता अगर धरना प्रदर्शन करेगी तो नेताएं खुद आके उनसे अपना जो है माफ़ी मांगेंगे और काम सुधारेंगे, समझ गए आप। लाख धरना प्रदर्शन करिए, कुछ असर नहीं पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो रोडवेज के हों, चाहे वो व्यापारी हो या कोई अन्य भी हो, चाहे डाकखाने के हों, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वो सरकार किसी को मानने के तैयार नहीं है। सरकार किसी की सुनेगी नहीं? सुनेगी नहीं, क्योंकि उसके पास एक चाबी है ईवीएम, वो आपकी नहीं सुनेगी, वो आखिर में वो जीत लेगी ईवीएम से। बस दरअसल बात यही है भाई। चलिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? हफीज अहमद। नहीं बढ़ गई है, पहले ये था कि जो गवर्नमेंट की जो आय थी लोग कम टैक्स देते थे, आज टैक्स के जो है आय इतना जीएसटी लगने की वजह से बढ़ गया है, सरकार की आमदनी के जरिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई कम होने का नाम ही नहीं रही है और जनता पूरी तरीके से महंगाई से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। ये समझ लीजिए इस समय महंगाई जबरदस्त है, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, चाहे किराया बस का किराया हो, चाहे ट्रेन का किराया हो, हर तरीके से महंगाई। शिक्षा के ले लीजिए, आज जिस छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन कराने लोग जाते हैं जस्ट डबल तिबल हो गया है, और आमदनी जो आम जनता की कमाई का साधन है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। इस समय लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान हैं कि कैसे पढ़ाया जाए, और कोरोना काल में जो फीसें पहले की पड़ी हुई थी, आज एडमिशन कराने जाइए तो प्राइवेट स्कूल में कोरोना काल की जो बकाया फीस है वो मांगी जा रही है, पहले आप वो फीस ला के दे जाइए तब एडमिशन बच्चों की हम करेंगे। इस पर हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे कि ये बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। कोई छूट रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं मिल रही है, यही डिमांड अभिभावक से यही मांगा जा रहा है कि जो पिछला फीस बकाया है आप उसको पहले भुगतान करिए। इस समय सबसे बड़ी चिंता तो ये विषय है, माफ़ नहीं किया जा रहा है। योगी सरकार पास या फेल? योगी सरकार एक, ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है एक चीज़ कि कानून हमारा संविधान देश में है कि नहीं है। कोई भी माफिया, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी दिक्कत है तो पहले उसको न्यायालय के द्वारे से उसका फैसला होता था, मुकदमे उस पर कायम होते थे, मुकदमे चलते थे, उस पर डिसीजन होता था कि हाँ आदमी ये गुनहगार है, तब उस पर अदालत अपने हिसाब से सजा देती थी। लेकिन आज कानून हाथ पर रख उठा है, ताक पर रख उठा है, जिसका जब चाह रहा है घर गिरा दिया जा रहा है, जिसका जब चाह रहा है सड़क से हटा दिया जा रहा है। कानून बिल्कुल फेल हो चुका है इस सरकार में। योगी जी कह रहे हैं गरीब के झोपड़े और तबके पर नहीं चलेगा किसी के, भू माफिया हो गए या कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है उस पर चलेगा। हाँ तो ये हमें और आपको कैसे मालूम या सरकार को कैसे मालूम, ये तो न्यायालय तय करेगी ना कि कौन माफिया है, कौन भू माफिया है, कौन काला धन लाया है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में कितनी अजीब बात है, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस समय लोकपाल बिल की आवाज़ें बहुत उठती थी, लोकपाल बिल। आखिर ये लोकपाल बिल है क्या, समझ में नहीं आया हम लोगों को, और फिर लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ आज तक ये भी नहीं समझ में आया। और काला धन लाने की बात हो रही थी, काला धन के बारे में कोई अब बात ही नहीं करता है, रोज़गार देने की बात होती थी, रोज़गार देने की कोई बात ही नहीं करता है,
ये काला धन है क्या, मेरी समझ में नहीं आया। आपने जीएसटी नोटबंदी कर दी पूरी तरीके से, नोटबंदी फिर फेल नज़र आया, 99% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा वापस आ गया, तो काला धन है कहाँ? और काला धन अभी तक वापस भी नहीं आया। 15 लाख भी नहीं मिले? 15 लाख तो वो तो कोई बात ही नहीं है, 15 लाख देने की बात उन्होंने की ही नहीं थी, उन्होंने 15 लाख देने की बात नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर काला धन भारत में आ जाए तो ये होता है कि हाँ भाई चलिए प्रति व्यक्ति की आय 15 लाख रुपए हो जाएगी। काला धन देने की बात नहीं की थी। जो सत्य है वो मैं सत्य बताऊंगा, मैं पब्लिक हूँ, कोई मैं नेता होता तो हूँ नहीं भाई। जी तो आजकल ध्यान दे भैया, नेताओं के बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। हम लोग गरीब आदमी के बच्चे अगर नगर पालिका में, लोग कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है। अगर सरकार से बात की जाए तो वो कहती है कि क्या जरूरत है आपको हाई बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने की, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, आप नगर पालिका स्कूल में पढ़ाओ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ। अगर हम अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ करा देते हैं तो वहाँ पढ़ाई तो शून्य है, बिल्कुल एक पैसे की पढ़ाई तो होती नहीं है, टीचर वहाँ आराम से सोते रहते हैं। सरकारी विद्यालय विफल है? सरकारी विद्यालय पूरी तरीके से विफल है। वहाँ अगर जाओ भैया तो यही सुविधा है कि दोपहर में खिचड़ी खिलाई जाती है, दोपहर में खिचड़ी खिला दी जाती है, बच्चों का फीस थोड़ा कम हो जाता है। अरे हमें पढ़ाई चाहिए। जो बच्चे नेताओं के इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ के आएंगे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आएंगे, हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आएगा, हम कंपटीशन में बैठेंगे एग्ज़ाम के लिए, सर्विस के लिए कंपटीशन में आएंगे, तो जो हाई क्लास के कॉलेज से पढ़ के बच्चा आया है वो सिलेक्ट होगा कि हमारा प्राइमरी स्कूल का बच्चा सिलेक्ट होगा? आप बताइए। एक किताब आप वहाँ का ले लीजिए, एक किताब प्राइमरी स्कूल का ले लीजिए, कोई पढ़ाई नाम की चीज़ है ही नहीं है। किताब एक करिए आप, जो हाई इंग्लिश मीडियम का किताबें हैं, जो हमारे नगर पालिका की स्कूल की किताबें हैं, वो तो आप एक करिए, आप किताब एक कराइए, पढ़ाई एक कराइए। आप कहते हैं कि भैया वो नंबर एक का पढ़ाई किए है और प्राइमरी स्कूल से बच्चे का कंपटीशन करेगा तो मेरा बच्चा नौकरी कहाँ पाएगा? आप बताइए।